वालिदा 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 हलीमा मेरी प्यारी बेटी। मैं आ गई हलीमा बेटी यहाँ तुम्हारे पास। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? हाँ रुको वालिदा, तुम्हें अब सर्दी नहीं लगेगी मेरी प्यारी बेटी। हलीमा वालिदा मेरी बेटी, क्या अब तुम ठीक हो? वो हमें छोड़ गई। सो जाओ बेटी, सो जाओ। क्या आप मुझे सुन रही हैं? सो जाओ बेटी। वालिदा मैं आ गई हूँ यहाँ, खूबसूरत बेटी। हलीमा मर चुकी है, वो हमें छोड़ गई है। आपने हमें नहीं छोड़ना। देखा फिर? खुद को संभाली, पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी पीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा को फिर ख्वाब में देखा? मुझे बहुत याद आती है, नहीं भूल सकता। कैफियत समझ सकती हूँ मैं कि आप बेहद तकलीफ में हैं। मुझे भी बेहद याद आती है उनकी और अपनी बहन की भी। और जब हलीमा का नाम आता है मुझे बेहद याद आती है, दिल दुखता है मेरा बहुत। भाई फातिमा संभालो खुद को, मेरी बहन। मैं खुद को बेबस महसूस करती हूँ, कैसे संभालूं? शहजादे, क्यों ना एक दाव मेरे साथ भी हो जाए?
कोनूर साहब बिल्कुल क्यों नहीं, मैदान हाजिर है। बहुत खूब शहजादे, आप जरूर हरा सकते हैं इन्हें। क्या बात है, वाह शहजादे। क्या बात है शहजादे, क्या हुआ शहजादे, थक गए क्या? हाँ मुश्किल है तुम्हारे लिए। गुस्से पे काबू शहजादे, ये कमजोर कर देगा आपको। जबरदस्त शहजादे, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त। हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकते। माहिर है। वार करो शहजादे। तजुर्बा हमेशा महारत पे गालिब आता है। ऐसा ही है, लेकिन तदबीर हमेशा पहले आती है तजुर्बे से। याद है ना आप मुझे हमेशा खंजर छुपा के रखने को कहते हैं। सीख गए। एक बहादुर सरदार लग रहे हो शहजादे। शुक्रिया। शहजादे मोहतरम, कोनूर साहब लश्कर फतह के लिए यानी शहर पहुंच चुका है। आला, ऐ कदीम बुरसा, तुम्हें अपने आसपास के कलों पर भरोसा है, बहुत गुरूर है। हा किताए, आथ्रानोस और कैस्टल,
इन कलों को जब फतह करेंगे तो फिर हम जल्द ही बुरसा फतह कर लेंगे उस्मान साहब। ऐसा ही है बिल्कुल, और ये वो भी जानते हैं, इसीलिए वो हमें दिम्बोस में गुमराह करने के लिए आए थे। वो यानी शहर खत्म करना चाहते थे, मगर अपनी जानों से उन्होंने कीमत अदा की। उन्हें इस बार अपनी जानों से बढ़कर कुछ देना होगा कीमत चुकाने के लिए। उनके कले तक ले लिए जाएंगे यकीनन उस्मान साहब। जंग का सुनकर मेरा दिल बिखर जाता है तीन हिस्सों में। औरहान, अलाउद्दीन, दोनों माशाल्लाह बहादुर सरदार बन गए हैं। जब तक हम मुत्तहिद होंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ए कदीम बुरसा, या तो तुम या फिर मैं। सिपाहियों होशियार, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। हमारा हदफ कस्तल कला है। सिपाहियों जंग के लिए तैयार हो। एक सिपाही क्या चाहता है? वो लड़ना चाहता है। और क्या? गुफ्तगू को रोकना चाहता है। और क्या? हाकिमों को शिकस्त देना चाहता है। और क्या? शहादत के साथ मरना चाहता है। हे माशाल्लाह मेरे दिलेर सिपाही, हे माशाल्लाह। कोनिया से खबर आई है बुरहान साहब। बहुत शुक्रिया भाई। जनाब कोनिया से। दीवान में तशरीफ लाइए फौरन। अलगन खातून, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, वालिदा आपका पूछ रही थी। एक कासिद आया है। जेरकुताई की कोई खबर मिली? नहीं तो, ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली, और वो कासिद कोनिया से आया है। इतने अरसे से तन्हा ही हूं मैं। वो मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। देखना जेरकुताई को कुछ नहीं होगा। वालिदा, वालिदा, बाबा आएंगे ना? बाबा आएंगे ना वापस? बताइए ना मुझे, बाबा आएंगे ना? बताइए। हाँ मेरी जान, बिल्कुल वो आएंगे।
हाँ? लेकिन वो कब वापस आएंगे बताएं? आप हमेशा कहती हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं आए, वो नहीं आते। वो वापस आएंगे। सरदारान, कैस्टल कले की फतह को रोक रहा हूं। मेरे सरदार, आप आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इस वक्त हमारे लोगों को एक नए सुल्तान की जरूरत है। जनाब, क्या मतलब? सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। लगता नहीं कि अब ठीक होंगे। अल्लाह अकबर, तो फिर तो तलवारों की गूंज सुनाई देगी और घोड़ों की चीखें भी। यानी अगर सुल्तान मर गए तो बहुत से नौजवानों का खून बहेगा। अब मुझे बताइए जरा, उनके लिए अब क्या जवाब होना चाहिए? अल्लाह जानता है कि मेरा दिल चाहता है हम ऐसा करें। मेरे सरदार उस्मान साहब को तुर्कमानों की कयादत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद है जनाब। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर गर्मयान और बाकी सब सरदार दूसरी तरफ। तो तुम्हें क्या लगता है, हमारी ताकत कम है क्या? माजरत चाहता हूं, आपकी परेशानियां बेमानी नहीं है, लेकिन यह मामला तादाद का नहीं है मेरे भाई। कोनूर साहब, आप सही कह रहे हैं, आपका कहा हर जुमला दुरुस्त है। अगर हम यहां सब लोगों को इकट्ठा कर भी लें तो 10,000 लोग ही शामिल होंगे, मगर गिरमियान एक लम्हे में पूरे 1,00,000 जमा कर सकते हैं, जबकि कारासी अपने बहरी जहाजों की बदौलत हुस्न दुनिया का अख्तियार हासिल कर सकते हैं, और कारामान जो कि कोनिया के बिल्कुल करीब है, वो भी अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार है। बताइए बाइंदर साहब, आखिर हम क्या करें? जनाब, हमें गिरमिया का इत्तेहादी बनना चाहिए। मेरा मतलब शायद आपको मुनासिब ना लगे, हमें गिरमिया के मातहत होना चाहिए। क्या ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कोनूर साहब, कई रियासतें और कई सरदारान ऐसे बेशुमार ख्वाबों का शिकार बन चुके हैं। आपकी सोच हमसे मुख्तलिफ है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें? सरदारान, हम लोग यहां खोल कर बात करेंगे, आपको जो कहना है सोच समझ कर कहिए। आप बात जारी रखिए, कहिए कहना चाहते हैं। हम सुन रहे हैं बाइंदर साहब।